नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर राजनीति से संन्यास लेने की बात से पलटे। देश के रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर 60 वर्ष की उम्र में राजनीति से संन्यास लेने की बात से पलट गए हैं। उन्होंने कहा था कि लोगों को 60 साल का होने पर अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। 13 दिसंबर को मैं 60 साल का हो जाऊंगा, इसलिए इसे देखते हुए मैंने 2-3 साल पहले से ही इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मीडिया में उनके संन्यास लेने की खबर आते ही पर्रिकर ने सफाई दी कि 60 साल की उम्र होने पर संन्यास लेने की बात मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कही थी, जिसे गंभीरता से ले लिया गया। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैंने 60 साल की उम्र में संन्यास की बात सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में कही थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे बीएसएफ के 2 जवान गिरफ्तार। जम्मू रेलवे स्टेशन में सीमा सुरक्षा बल के उन 2 जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते थे। इनकी पहचान कैफतुल्ला खान और अब्दुल रशीद के तौर पर हुई है। कैफतुल्ला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का रहने वाला है, जबकि रशीद इसी जिले में बीएसएफ की खुफिया शाखा में तैनात है। दोनों के पास से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। उधर कोलकाता एसटीएफ ने भी आईएसआई से संबंध रखने वाले 3 लोग, इरशाद अंसारी, असफाव अंसारी और मोहम्मद जहांगीर को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए आरोपी ईमेल, व्हाट्सएप और वाइबर नेटवर्क के जरिए सूचनाएं भेजते थे। मकाओ ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु की खिताबी हैट्रिक। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मकाओ ओपन ग्रापी गोल्ड में महिला एकल वर्ग के फाइनल में जापान की मितानी को 21-9, 21-23, 21-14 से हराकर तीसरी बार खिताबी जीत हासिल की। $1,20,000 की पुरस्कार वाली इस चैंपियनशिप में 5वीं वरीयता प्राप्त सिंधु को चैंपियन बनने के लिए 1 घंटे और 6 मिनट तक संघर्ष करना पड़ा। इस जीत के साथ सिंधु ने मितानी के खिलाफ जीत हार का आंकड़ा 1-1 से बराबर कर लिया है।